हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के सेशन में, जहां आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स को हमें रिमेम्बर करना है, इन सब के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है बेसिकली वो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है कि यूनाइटेड स्टेट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो देखिए आज उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यूएस विल फॉर्मली विथड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यूएस ने जो है वो विथड्रॉ कर लिया अपने आप को ऑफिशियली तौर पे, कहां से? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। इसके पीछे रीजन क्या रहा है ये तो बेसिकली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ और वो बताते भी नहीं है, फैक्ट वगैरह डिस्क्लोज नहीं किए। बट हमारे लिए जो काम की चीज है वो यही है सर कि यूएस ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मली रूप से विड्रॉ कर लिया है, क्विट कर लिया है, अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो आप सब लोग इसके बारे में और न्यूज में जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे, देखते हैं। बट सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जहां जिक्र होता है तो फिर उसका हेडक्वार्टर की बात उठती है और हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है सर। सर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए तो टेड्रोस एडनॉम, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, टेड्रोस एडनॉम। ठीक है सर। हेडक्वार्टर 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं सर, वो सब तो ठीक है, बट इस चीज को आप यहां क्यों लेकर आए? आपने क्यों जिक्र किया कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं? उसके पीछे रीजन है, रीजन को ध्यान से समझिए सर। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था ना, उसका गठन वो जब बना था वो 7 अप्रैल को ही बना था। तो क्या सर उसके गठन की डेट याद रखनी है? नहीं, हमें ये चीज याद रखनी है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, उसके पीछे फैक्ट क्या है मैंने आपको ये बताया है। समझ पा रहे हो आप कि हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों बनाते हैं? उसके पीछे जो फैक्ट है वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस दिन उसका गठन हुआ था, उस दिन उनका निर्माण हुआ था, तो उस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप से जानते हैं। ठीक है, यूएस का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड एक फैक्ट हमें याद आ रहा है। सर यूएस कंट्री का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होंगी सर, वो भी रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, देखिए यूएस और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप का नाम आ रहा है इसलिए आप समझ भी जाओगे, कोप इंडिया, वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप कोप इंडिया युद्ध अभ्यास और एक और एक्सरसाइज होती है, बेसिकली वो तीन कंट्रियों की है, मालाबार, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है सर, एक बार रिवाइज करा दीजिए, मार्क माय वर्ड्स, वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप कोप इंडिया युद्ध अभ्यास और मालाबार। ठीक है, जो न्यूज है वो बेसिकली दो कंट्रीज के बारे में बताया गया है, तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, चलिए देखते हैं। मालदीव्स एंड श्रीलंका हैव बिकम द फर्स्ट टू कंट्रीज टू एलिमिनेट मिजल्स एंड रुबेला अहेड फॉर द 220 टारगेट। देखिए मालदीव्स और श्रीलंका फर्स्ट, दोनों की दोनों जो है वो फर्स्ट ऐसी एशियन कंट्रीज बनी है जो दो बीमारी जो होती है मिजल्स और रुबेला उन सबको एलिमिनेट कर देंगी पूरी अच्छी तरीके से। मतलब सर क्या है कि सर 2023 तक आपको इन दो कंट्रियों में कोई भी, ना ही मीजल्स का और ना ही रुबेला बीमारी का कोई भी पेशेंट नहीं दिखाई देगा, ये बीमारी वो जड़ से हटा देंगे, ऐसा उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो ये फर्स्ट टू एशियन कंट्री बन चुकी है।
ठीक है सर, सर मालदीव्स की बात हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर कॉमनवेल्थ जो होता है गेम्स वगैरह जो खेले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है। बिल्कुल, तो सर 54th नंबर की जो कंट्री थी, मार्क माय वर्ड्स, 54th नंबर की जो कंट्री थी वो मालदीव्स थी सर, जो कॉमनवेल्थ में इंक्लूड हुई। अब आप पूछोगे सर कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिल्कुल इन सब के बारे में भी मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगा, पर उससे पहले अब जब मालदीव्स का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड पहले उसकी कैपिटल माले, माले करेंसी रुपिया। सर मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी बता दीजिए। ओके, इकुवरिन, इकुवरिन सर, ये इकुवरिन इंडिया और मलेशिया और मालदीव्स के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सर इकुवरिन। ये देख भी पा रहे होंगे आप, इकुवरिन एक्सरसाइज। ठीक है सर, हो गया। अब श्रीलंका की जिक्र हुआ है तो श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप दो या तीन बार इसको रिवाइज करोगे तो चीजें अपने आप लर्न हो जाएगी। जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल, आप सब लोगों के दिमाग में आता होगा सर कोलंबो भी तो है। नहीं, कोलंबो नहीं है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया की कैपिटल क्या है, आप लोग बोलेंगे सर दिल्ली, लेकिन मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। सिमिलरली श्रीलंका की भी जयवर्धनेपुरे कोट्टे उनकी कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो कोलंबो है। ठीक है, करेंसी रुपी, ठीक। अब श्रीलंका का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें बता दीजिए। बिल्कुल सर, श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सेन्यू मैत्री। सेन्यू मैत्री इंडिया और श्रीलंका के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है सर। कॉमनवेल्थ, ठीक है, और गोल्ड काउंसिल, ओके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, मार्क माय वर्ड्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों का हेडक्वार्टर यूके में है। ओके, चीजें आपको समझ में आ रही है, तीनों का हेडक्वार्टर यूके में है, ये चीज याद रखनी है आपको। देखिए सर, मैंने एक न्यूज से आपको ढेर सारी न्यूज कवर करवा दी, ठीक है। इसी तरीके से हम चीजों को लिंक करके रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक। नेक्स्ट न्यूज इज एन एमओयू वाज साइंड बिटवीन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सर टैक्सेस सीबीडीटी एंड द सेबी, यानी व्हाट डज इट मीन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सर सेबी के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, ठीक है। आपको मोटे मोटे शब्दों में बताता हूं सर, ज्यादा ब्रीफली नहीं जाना है, मोटे मोटे में समझ लीजिए। सर सेबी जो है वो एक रेगुलेटेड बॉडी है जो रेगुलेशन का काम करती है कि कोई भी जो सिक्योरिटीज है और जो जितने भी मनी मार्केट से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटीज से रिलेटेड जितने भी काम है उन सब चीजों को रेगुलेट करती है कि किसी तरीके की कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। बेसिकली रेगुलेटेड का काम जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। वैसे तो बहुत ब्रीफली चीज है पर उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि सर सेबी फाउंड हुआ था 1988 में, ठीक है, और सैचुरेटेड बॉडी कब बना, वो 1992 में बना। फाउंडेड तो 1988 में हुआ बट सैचुरेटेड बॉडी जो बनी वो 1992 में बनी, ठीक है सर। सर सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है सर। सेबी के हेड जो है वो अजय त्यागी हैं, आप देख भी पा रहे होंगे इमेज में, अजय त्यागी, ठीक है सर। सर सेबी की बात हो गई, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, सर इसके भी हेड होंगे, उनका नाम है पीसी मोदी, मोदी साहब है वो इनके हेड हैं, ठीक है। तो अगली जो न्यूज है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, दो कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप हुई है, चलिए देखते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट
has partnered with National Skill Development Corporation, NSDC. सर ये NSDC क्या था? आप लोगों को अभी याद होगा कि कुछ समय पहले NSDC जब आया था, बेसिकली उसका मतलब यही था कि हम यूथ ने बहुत एजुकेशन तो गेन कर ली, अब उन्हें एक तरह से स्किल्ड बनाया जाए, अपने काम में दक्ष बनाया जाए। देखिए, एक किताबी ज्ञान होना और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना, दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। तो जो प्रैक्टिकली रूप से चीजें दिखाई गई, जो प्रैक्टिकली रूप से उन्हें स्किल्ड बनाया गया लेबर्स को, तो वो किसके द्वारा बनाया जाता था? वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, एक लॉन्च भी किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के द्वारा। जैसे ही आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि स्किल को निखारना, ये इसका काम है। ठीक है सर। सर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी हमें अच्छी तरीके से पता है, माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप किया है या पार्टनर बना है NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू ऑफर डिजिटल स्किल्स ऑफ इंडियन यूथ इन द नेक्स्ट 12 मंथ फॉर COVID-19 क्राइसिस। सर थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया। ठीक है, देखिए क्या है सिचुएशन में। अभी आप लोग जानते हो कि COVID-19 का क्राइसिस कितना खतरनाक चल रहा है, और आप ये भी समझ चुके हो कि इस साल तो शायद थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो पाएगी कि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जो है अच्छे तरीके से खुल पाए। तो सर क्या है इस बेसिकली न्यूज़ का मतलब, कि माइक्रोसॉफ्ट ने और NSDC ने मिलकर पार्टनरशिप की है कि हम पार्टनरशिप करते हैं और स्किल्ड करेंगे यूथ को, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाए, वो हैबिचुअल हो जाए। सर कि अब ऑनलाइन जितनी भी चीजें हो रही है, वर्चुअल क्लासेस जितनी भी हो रही है, उन सब चीजों को अटेंड कर सके। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और NSDC के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, 12 मंथ्स तक स्किल्स करना इंडियन यूथ को, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे काम करना है और किस तरीके से नहीं। आप अभी हाल ही की न्यूज में देख भी चुके हो, बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, कि कोई ना कोई स्कीम्स प्रोवाइड करना, मेरा विद्यालय लाइक घर पे स्टडीज वगैरह, और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो उन इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव इनके द्वारा भी लिया गया, हमें यही याद रखना है बस। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक ऑबिचुरी से रिलेटेड न्यूज है। क्या? वेटरन एक्टर कॉमेडियन जगदीप, बेस्ट नोन फॉर हिज रोल सूरमा भोपाली इन शोले, आपने देखा भी होगा, बहुत ही फेमस एक्टर है, शोले मूवी सबने देख रखी है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पर्सन होगा जिसने शोले मूवी ना देखी हो। तो शोले मूवी में जो जिन्होंने किरदार निभाया था एक सूरमा भोपाली का, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप रिकॉग्नाइज कर भी चुके होंगे। तो उनका भी निधन हो चुका है, वो 81 ईयर्स के थे, उनका भी निधन हो चुका है। अब सर जगदीप नाम से हमें एक और पर्सन याद आता है, पता नहीं क्यों हमने नाम तो सुना हुआ है, सर जगदीश मुखाती। सर जगदीश मुखाती साहब भी जो थे वो भी कुछ ऐसे ही फील्ड से रिलेट थे। बिल्कुल, देखिए ये जगदीप है, वो जगदीश थे, है दोनों ही एक्टर, उनका भी निधन हुआ है हाल ही के दिनों में, जगदीश मुखाती साहब और ये जगदीप है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में, वो जगदीश मुखाती थे, ठीक है, वो सिर्फ एक्टर थे, ये वेटरन कॉमेडियन थे, एक्टर प्लस कॉमेडियन। तो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है सर, अगर एक्टर प्लस कॉमेडियन तो जगदीप है, वो सिर्फ एक्टर थे जगदीश मुखाती साहब। जगदीश मुखाती साहब एक्टर, कर्ट थॉमस आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर पा रहे होंगे, कर्ट थॉमस दैट इज कॉल्ड जिमनास्ट, जिमनास्ट। सर वासु चैटर्जी, सर वो लेजेंडरी फिल्म मेकर, लेजेंडरी फिल्म मेकर। और सर हाल ही में अभी सरोज खान, सर वो कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर, सरोज खान कोरियोग्राफर, वासुदेव चटर्जी लेजेंडरी फिल्म मेकर, और कर्ट थॉमस जिमनास्ट, जगदीश मुखाती एक्टर, जगदीप एक्टर प्लस कॉमेडियन। अब आपको सर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें लिंक होती है। अब कोई भी ऑपर्चुनिटीज आएंगी, ये नाम आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज होंगे। ठीक है सर। सर अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। समुद्र सेतु,
सर आरोग्य सेतु के बारे में तो सुना था, ये समुद्र सेतु क्या है? चलिए देखते हैं। लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू रिपेट्रिएट, सर रिपेट्रिएट मतलब, रिपेट्रिएट का मतलब होता है सर दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेकर आना, लेकर आने को, ठीक है। आगे आप पढ़ते जाइए फिर हम चीजों को डिस्कस करते हैं। इंडियन सिटीजन अब्रॉड ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक हैज कल्मिनेटेड आफ्टर सक्सेसफुली ब्रिंग बैक 3922 इंडिविजुअल्स। सर थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई। देखिए सर, इंडियन नेवी के द्वारा बेसिकली अभी एक इनिशिएटिव लिया था, मे बी 5 तारीख को, इस मंथ की 5 तारीख को ये इनिशिएटिव लिया था कि सर समुद्र के रास्ते से, बेसिकली शिप के माध्यम से, जो दूसरी दूसरी कंट्री में अब्रॉड में हमारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अब चीजें तो वहां पे भी ब्लॉक हो चुकी हैं, ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तो बंद है, तो सर हमारे लोग भी तो उस कंट्री में फंसे हुए हैं और सिचुएशन तो अभी आप सब लोग जानते हो कितनी डिफिकल्ट है, तो उन्हें उन कंट्री से हमारी कंट्री में लेकर आना, ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सर। तो सर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए नेवी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया कि हम क्या है, शिप के माध्यम से जो दूसरी कंट्री में लोग फंसे हुए हैं उन्हें हम शिप के माध्यम से अपनी कंट्री में लेकर आएंगे। इस ऑपरेशन को कहा गया सर ऑपरेशन समुद्र सेतु, क्योंकि ये नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। समुद्र मतलब आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, पानी से रिलेटेड है, और नेवी के द्वारा लॉन्च है इसलिए समुद्र सेतु, ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई। तो सर इस न्यूज से इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो एक नॉर्मल बात होगी कि ठीक है समुद्र सेतु बनाया है, अब वहां से लोगों को लेकर आ गए, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज, क्यों इसको इंक्लूड किया गया? ठीक है सर, ये जो इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक फैक्ट्स है, 3922 इतने इंडिविजुअल्स को लेकर आया गया है, ये चीज सर इस न्यूज को इंपॉर्टेंट बनाती है, तो आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है सर, ठीक है। तो अगली जो न्यूज है वो बेसिकली कैपिटल से रिलेटेड न्यूज है, तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। देखिए, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन फॉर 3 कंपनीज, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइट इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है सर। ये न्यूज समझाने से पहले आप ये चीज क्लियर करिए कि कैपिटल इन्फ्यूजन होता क्या है, क्या मतलब है कैपिटल इन्फ्यूजन का, ठीक है सर। मैं डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको लिंक करते हुए बताता हूं कि कैपिटल इन्फ्यूजन होता क्या है। सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा जब कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे कैपिटल इन्फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, उसमें इन्फ्यूज किया। क्यों किया सर? हो सकता है सर सिचुएशन ऐसी हो कि वो कंपनी अभी ठीक तरीके से रन ना कर पा रही हो, सिचुएशन उनकी ऐसी ना हो कि वो ठीक तरह से रन कर पा रही हो, लेकिन हमें पता है कि एक बार ये उठ गई तो फ्यूचर में इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई रहेगा। अभी कंपनी नई आई है या कुछ टाइम हुआ है तो चीजें तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी ना सर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हेल्प करती है, क्या ठीक है अभी मैं अपने जो कैपिटल है उसमें से कुछ पार्ट कंपनी को दे देती हूँ, ठीक है, और फिर जैसे जैसे प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगी, उस हिसाब से मनी वापस मुझे देते रहेंगे इस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, ठीक है सर। तो ये कैपिटल इन्फ्यूजन के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है सर। अब कैपिटल इन्फ्यूजन के बारे में तो पता चल गया, अब सर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या किया है कैबिनेट ने? सर कैबिनेट ने क्या किया है, 3 कंपनीज को अपनी कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की है, दी गई है, इन्फ्यूज की है। सर वो कंपनी कौन कौन सी है वो चीज इंपॉर्टेंट है। सर एक तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है सर। दूसरा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है सर। तीसरी जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये चीज हो गई सर। बट और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये तो ठीक है कि एक नॉर्मल बात हो गई कि कैबिनेट ने पैसा दे दिया 3 कंपनी को, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो आम बात है सर। बड़ी बात ये है कि जो कैपिटल दिया गया है वो 12,450 करोड़ दिया गया है। ये अमाउंट सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कितना पैसा दिया गया है? वो सर 12,450 करोड़ दिए गए, ठीक है सर। सर इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सर 2500 जो करोड़ थे, 25 करोड़ वो पिछले साल दे दिए गए थे। सर 25 करोड़ जो है
वो पिछले साल दे दिए गए थे, अब सर रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छा इनिशिएटिव है, इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगली जो बेसिकली न्यूज है वो एक लोन से रिलेटेड है, एक बैंक के द्वारा लोन दिया गया है, चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं। लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड विच इज होली ओन्ड सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी से सर आपको कुछ याद आएगा, ऑफ लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड हैज रिसीव्ड फर्स्ट ट्रांच ऑफ 50 मिलियन ऑफ द टोटल ऑफ 100 मिलियन ईसीबी लोन फ्रॉम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सर न्यूज तो समझ में आ जाती पर दिक्कत ये हो रही है कि अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है और होल्डिंग कंपनी क्या होती है। सर हमें तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि एक तो सर सब्सिडरी कंपनी होती है, ठीक है, और सर एक होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है, सर डिफरेंस बताइए क्या होता है। चलिए वैसे मैंने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में भी बताया था लेकिन फिर रिवाइज करवा देता हूं, शॉर्ट शॉर्ट में चीजें बताता हूं सर। तो शॉर्ट शॉर्ट में और सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो सपोज दैट मैं किसी कंपनी का ओनर हूं और मेरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, और सर दूसरी कंपनी है चुटमुट कंपनी, चुटमुट कंपनी। आई नो सर मैंने नाम इसलिए चुटमुट ऐसा लिया है ताकि आपको ये थोड़ा फनी वे में चीजें याद रहेगी एग्जाम्पल के जरिए। तो सर मैं एक्स वाई जेड कंपनी का ओनर हूं और चुटमुट कंपनी है वो सर थोड़े अभी घाटे में चल रही है, उसकी कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, पर मुझे पता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब इतना लॉस में भी नहीं है और इतना प्रॉफिट में भी नहीं है, और मैं ये जानता हूं कि आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ईयर्स में, जैसे कंपनी है तो कंपनी तो प्रोजेक्ट करके चलती है कि हाँ आने वाले सिचुएशन में क्या होगा एनवायरमेंट को देखकर और चीजों को देखकर, तो सर मुझे पता आने वाले सिचुएशन में अगर मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे फायदा होगा, ये मुझे पता है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने इसके 51% शेयर्स, मोर देन 51% शेयर्स खरीद लिए, ठीक है सर। तो अब कंट्रोल तो सर मेरा ही होगा ना इस कंपनी पे, क्योंकि मैंने मोर देन 51% शेयर्स खरीद लिए, अब जो डिसीजन हो गए तो उसमें मैक्सिमम मेरा ही कंट्रोल रहेगा, जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल, आपने शेयर ले रखा है तो आप ही की चलेगी, ठीक है। तो सर अब मैं इस कंपनी का ओनर हो गया हूं तो ये होल्डिंग कंपनी के नाम से अब मैं ना जाना जाऊंगा, अब मैं इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो चुका हूं सर, ठीक है, और ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि इस कंपनी पे पूरा कंट्रोल सर मेरा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैंने होल्ड कर रखी है, होल्ड करना तो मैं होल्डिंग कंपनी हो गया सर, और इस कंपनी पे कंट्रोल मेरा है तो ये मेरे लिए सब्सिडरी कंपनी हो गई, ठीक है सर। सर अब चीजें समझ में आ गई। तो सर इस एग्जांपल में अगर आपको मैं बताऊं तो सर ये सब्सिडरी कंपनी है, आप देख पा रहे होंगे लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, मतलब पूरी तरीके से 100% शेयर ले लिए गए, ठीक है सर। और होल्डिंग कंपनी कौन है, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ गई। तो सर इनको क्या मिला, इनको 50 मिलियन का फर्स्ट जो लोन है, फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड, वो तो दे दिया गया। सर कितने में से दिया गया, 100 मिलियन टोटल लोन था, उसमें से 50 मिलियन लोन जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया, ठीक है सर, चीजें हमें समझ में आ गई। सर किसने प्रोवाइड करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है सर। अब आपको न्यूज पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है सर, अब चीजें हमें समझ में आ गई हैं। देखिए अब सर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी जिक्र हुआ है, हाँ तो सर उसका हेडक्वार्टर भी तो कहीं ना कहीं होगा सर, बीजिंग चाइना, ठीक है सर। अब जब चाइना का जिक्र हुआ है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले ही साल हमारी इंडिया और चाइना के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है हैंड इन हैंड, वो उमरोई मेघालय में हुई थी सर। सर अब भी क्या उमरोई और मेघालय में होगी, नहीं। तो सर क्यों बताया, इसलिए आपको ये चीज याद हो कि हैंड और एन हिंड हैंड एक्सरसाइज का जब भी जिक्र हो तो इंडिया और चाइना का नाम होगा उसमें,
ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई सर। अब बस मेघालय का जिक्र हो गया है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता दीजिए। जब स्टेट आ ही चुका है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लर्न कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसे मेघालय की सर कैपिटल शिलोंग होती है, शिलोंग, ठीक है सर। सर अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो है कोनाड संगमा, मार्क माय वर्ड्स, कोनाड संगमा, ठीक है सर। और सर गवर्नर, गवर्नर सर तथागत रॉय, तथागत रॉय। तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे एक न्यूज से कितने फैक्ट्स निकले और कितनी चीजों को रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। कि अगली जो न्यूज है वो बेसिकली एक स्पोर्ट्स प्लेयर से रिलेटेड है। सर क्या न्यूज है? इंडिया स्क्वैश प्लेयर जोशना चिनप्पा मूव्ड अप 10th स्पॉट इन द पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग। सर ये पीएसए क्या है? आप लोगों ने देख रखा होगा, इमेज में भी देख पा रहे हो, क्या ये बैडमिंटन का रैकेट है? नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। बैडमिंटन का रैकेट होता तो इंडोर में क्यों होते? बिल्कुल सर, ये स्क्वैश गेम है। आपने स्क्वैश गेम देखा होगा, वो बेसिकली इंडोर में खेला जाता है, रूम के अंदर। हाँ सर देखा तो है। तो जोशना चिनप्पा जो है वो प्लेयर है स्क्वैश की, ठीक है सर। तो उनकी जो है 10th रैंकिंग, यानी वो 10th स्पॉट पे पहुंच चुकी है। ओके सर, जो पीएसए की रैंकिंग है सर, ये पीएसए, पीएसए मतलब, पीएसए क्या, पीएसए का मतलब होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। सर मतलब सर ये एक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है सर, ये स्क्वैश वगैरह के जितने भी गेम होते हैं वो कंडक्ट करवाती है सर। जैसे क्रिकेट की बीसीसीआई है, आईसीसी है, हमारे इंडिया में बीसीसीआई और वर्ल्ड में आईसीसी, ठीक है सर। ऐसे ही सर स्क्वैश की भी एक बॉडी होगी ना प्रोफेशनल, जो गेम कंडक्ट करवाएगी। हाँ सर होती तो है। तो उस बॉडी का नाम है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, ठीक है सर। सर अगर आप हमसे पूछते कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो हम बता देते यूएई अबू धाबी में है, ठीक है सर। सर बट इसका भी तो कहीं हेडक्वार्टर होगा? बिल्कुल सर, इसका हेडक्वार्टर वो है लीड्स। सर ये कोई जगह का नाम है लीड्स? हाँ, ये यूके में एक जगह है लीड्स, उसमें है इसका हेडक्वार्टर, लीड्स यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके सर, अब प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के द्वारा ये रैंकिंग निकाली गई और उस रैंकिंग में पाया गया कि 10th स्पोर्ट्स पे मतलब 10वीं पोजीशन पे जो होल्ड करके होल्ड कर रखी है जिन्होंने, उनका नाम है जोशना चिनप्पा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है सर। अब रैंकिंग का जिक्र हुआ है तो हाल ही के कुछ दिनों में एक ऐसी न्यूज भी आई थी। हाँ बिल्कुल सर, अमित पंगाल का नाम आपने सुना होगा, अमित पंगाल सर, वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। हाँ, और सर वो भी फर्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं सर, उनकी फर्स्ट रैंकिंग है। हाँ सर, सर उसका हेडक्वार्टर आईबा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, लॉजाने स्विट्जरलैंड। हाँ सर, चीजें याद आ रही है, इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती है सर। तो अब आपको न्यूज याद आ गई होगी, अमित पंगाल बॉक्सिंग फर्स्ट रैंकिंग, जोशना चिनप्पा स्क्वैश और 10th स्पॉट पे, ठीक है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो लीड्स यूके, ये लॉसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है तो सर प्लीज 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 बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।